चिकन के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब चिकन खाना आपकी जेब पर ज्यादा असर नहीं करेगा। इसकी वजह है आने वाले दिनों में चिकन की कीमतों में गिरावट। चिकन के दाम करीब 10% तक घट सकते हैं। अभी दिल्ली में एक किलो चिकन के दाम करीब 160 रुपए है। अब दिल्ली में चिकन का दाम करीब 145 रुपए किलो हो सकता है। ऐसे ही मुंबई में चिकन का भाव 180 रुपए किलो है। अब मुंबई में चिकन का भाव घटकर करीब 160 रुपए प्रति किलो हो सकता है। चिकन के भाव में गिरावट की वजह सोया मील को माना जा रहा है। दरअसल मई महीने में सोया मील के एक्सपोर्ट में करीब 75% की कमी आई है, जिससे देश भर में सोया मील की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। मई में सोया मील की कीमत 3,800 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो अब घटकर 3,600 रुपए हो चुकी है। मई महीने में सोया मील का निर्यात करीब 38,000 टन हुआ था, जबकि अप्रैल में सोया मील का 75,000 टन निर्यात हुआ था। सोया मील को पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को खिलाया जाता है। मुर्गियों को चारे के तौर पर 45% सोया मील और 55% मक्का खिलाया जाता है। सोया मील की कीमतों में कमी से पोल्ट्री फार्म की लागत कम हो गई है। इसी वजह से चिकन की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि कुछ कंपनियां ब्रॉयलर चिकन के उत्पादन पर अंकुश लगाकर कीमत को कृत्रिम तरीके से बढ़ा रही है। भारत में पोल्ट्री इंडस्ट्री काफी हद तक ब्रॉयलर चिकन पर ही निर्भर होता है। भारतीय पोल्ट्री उद्योग का आकार करीब 25 लाख टन का है और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश का ब्रॉयलर चिकन का सालाना कारोबार करीब 45 लाख टन का है। भारत में प्रति व्यक्ति चिकन खपत करीब 4 किलोग्राम का है।